नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनालिटिकल रिजोल्यूशन पे। मेरा नाम है धर्मेंद्र। हम लोग यहाँ बात करेंगे करंट अफेयर में टॉपिक जो अभी फिलहाल चल रहा है कि इंडिया ने 101 डिफेंस आइटम जो हैं उनको विदेश से लेने से बैन कर दिया है और अभी हम लोग इसको खुद से बनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत को हम लोग आगे ले जाएंगे। इसी फील्ड में हम लोग आगे काम करेंगे। अब तक क्या था, हम लोग अपने जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं उनके जितने भी आइटम्स होते हैं, मिसाइल, रॉकेट या गन्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, इन सब के लिए इसराइल, फ्रांस, रशिया, USA, जापान, इन सब देशों पर डिपेंड रहते थे। बट अभी आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा श्री राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि भारत 101 आइटम को बैन करेगा और इन्हें हम खुद अपने यहाँ बनाएंगे। DRDO बनाएगा या और भी जितनी अपनी यूनिट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या प्राइवेट यूनिट हैं उनसे मिलकर बनवाया जाएगा। लेकिन ये इंडिया में बनेगा तो इसका पैसा इंडिया में रहेगा, तो इससे हमारे कंट्री को आगे ले जाने में या हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाने में बहुत हेल्प होगी। चलिए इसी पर बात करेंगे हम लोग आगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ये आने वाले करंट अफेयर एग्ज़ाम जैसे SSC, रेलवे, UPSC, UPSI और भी स्टेट पीसेस जितने एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे, NTPC, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ करके हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए बात करते हैं कि न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में ये कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने 101 आइटम को अभी बाहर से लाने पे बैन कर दिया है, उनका इंपोर्ट बैन हो जाएगा। वो सब आइटम किस काम में आते थे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब उन प्रोडक्ट का यूज़ करते थे अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए। तो इनका अब क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगा, मतलब अपने घरेलू चीज़ों से ये मतलब अपने घर में बनाया जाएगा। ठीक है, अब या तो इनको प्राइवेट सेक्टर बनाएगा या डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाएंगे। ठीक है, DPSUs। ठीक, तो अब ये जितने भी आइटम्स हैं 101 आइटम्स हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े आइटम्स हैं, राइफल वगैरह, मिसाइल वगैरह, वो सब अपने इंडिया में ही बनेंगी। तो या तो वो प्राइवेट सेक्टर बनाएंगे या तो DPSUs बनाएंगे। चलिए ये स्टेटमेंट देखिए श्री राजनाथ सिंह का है। इन्होंने आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने के लिए 101 आइटम जो हैं अभी ये लिस्ट में पहले हैं, अभी इनके बाद और आइटम की लिस्ट बताई जाएगी, बट अभी पहले 101 आइटम को ही बैन किया गया है बाहर से लाने के लिए। तो अपने यहाँ खुद से बनाए जाएंगे और उनको प्रमोट किया जाएगा, अपने देसी लोकल फॉर वोकल वाला इनका जो सीन था उसको और प्रमोट किया जाएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने यहाँ ही बनेंगी, बाहर से हम लोग कोई भी आयात निर्यात ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है नंबर्स। देखिए फिगर्स की बात करें पैसों में अगर, तो क्या है कि 101 आइटम, देखिए गवर्नमेंट डिसाइड टू इम्पोर्ट एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब होता है विदेशी चीज़ों को लाने पर रोक लगाना। ठीक है, कि 101 आइटम्स पे रोक लग गई है और इसके लिए अपने यहाँ ही बनेंगी। तो इन पे जो बजट है वो हमारा 52,000 करोड़ का करंट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है उसी में दिया जाएगा और लगभग दिसंबर से इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा है कि 52,000 करोड़ का बजट जो करंट फाइनेंशियल ईयर में अपना इस पे लगाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा था कि जो भी इंडियन डिफेंस सेक्टर है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लगभग 4,00,000 करोड़ का होगा, जो आगे आने वाले 5 सालों में 2020 से 2025 तक में कंप्लीट किया जाएगा डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे होम मिनिस्टर जी ने ट्वीट किया था और उन्होंने ही बताया था कि 4,00,000 करोड़ रुपये आने वाले 5 सालों में श्री मोदी जी की सहायता से मेक इन इंडिया भारत को और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने के लिए अपना सेल्फ रिलेवेंट काम किया जाएगा, तो जिससे इंडिया में ये सब आइटम्स बन सकें। देखिए इनमें क्या क्या, अगर आप ये सोच रहे हैं कि छोटी मोटी राइफल या छोटी मोटी मशीन गन या केवल बुलेट्स वगैरह ही बनेंगे इंडिया में, तो ऐसा नहीं है। इन्हें बहुत बड़े बड़े राइफल वगैरह इंक्लूड है, उनमें से कुछ मेन मेन की बात करते हैं तो 101 तो सारे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितने मेन आइटम्स हैं जो सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट में उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आर्चरी गन आती हैं, देखिए कितनी हैवी गन होती है। अब ये सब इंडिया में ही बनेंगी। ठीक है, अब ये बाहर नहीं बनेंगी, ये सब अपने यहाँ ही बनेंगी। अब दूसरा हमारा बहुत मेन आता है मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो होता है, जो किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये सब कहाँ बनेगा, अपने इंडिया में बनेगा। फिर शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल, ये शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल भी अपने यहाँ ही बनेगी। अब हम लोग बाहर से कुछ भी नहीं लेंगे। इसके अलावा और मेन में आता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक, और लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये सारे एयरक्राफ्ट भी कहाँ बनेंगे, लाइट कॉम्बैट या लाइट ट्रांसपोर्ट, ये सभी कहाँ बनेंगे, इंडिया में बनेंगे। और लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल, ये भी कहाँ बनेगी, क्रूज मिसाइल है। ठीक, ये सब अपने यहाँ बनेंगी, समरीन वगैरह भी होंगी, ये सब अपने यहाँ ही बनेंगी। DRDO बनाएगा या और भी आगे हमको पता है क्या कौन कौन बनाएगा इनको। तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब किया जाएगा। ठीक, आगे देखिए और इसमें क्या क्या बनेगा, कम्युनिकेशन सेटेलाइट, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, अ वैरायटी ऑफ रडार्स, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स,
अब देखिए ये चीज़ें कब से कब तक के लिए हैं कि जो भी डिफरेंट आइटम्स हैं ये 2020 से 2025 तक में बना दिए जाएंगे, ठीक। और इनको बनाएगा कौन? स्टेट रन कंपनीज बनाएंगी, जैसे कि भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, DRDO, ठीक, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोटेक लिमिटेड। देखिए सभी अपने अपने फील्ड की अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं जो कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए बनाती रहती हैं, तो इन्हीं को लगभग या तो और भी PSUs को ठेका दिया जाएगा, इसका टेंडर दिया जाएगा उनको बनाने के लिए। ऑर्डनेंस फैक्ट्री वगैरह भी हैं, तो इसमें यही सब है। चलिए तो ये थे फ्रेंड्स 101 आइटम्स जो हमारे देश में अब खुद से बनेंगे डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए। चलिए प्लीज़ करके हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।